जय जय श्री सीताराम, जय महाबली हनुमान जी महाराज। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भाइयों, हम सबको पता है कि मंगलवार और शनिवार का दिन प्रभु हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन प्रभु हनुमान जी महाराज की सच्चे दिल से पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता और प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा सदा सदा के लिए उस व्यक्ति पर बनी रहती है। ऐसे में आज हम आपके लिए हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसी अद्भुत चौपाई लेकर आए हैं, जिसका अगर आपने सच्चे मन से जाप कर लिया या फिर सच्चे मन से सुन भी लिया तो आपके जीवन में कोई चमत्कार अवश्य होगा। आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट इस चौपाई को मात्र मुख में लाने भर से ही दूर हो जाएगा। ये दिव्य चौपाई इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि इसका असर पहले दिन से ही दिखने लगता है। प्यारे भाइयों, यदि आपके जीवन में से परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी हो तो आपसे निवेदन करेंगे, केवल एक बार इसको बोलकर या सुनकर देखिए, तुरंत ही आपके जीवन में वही चमत्कार अवश्य होगा। तो प्यारे भाइयों, आइए जानते हैं हनुमान जी महाराज की चौपाई के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे भाइयों, आइए जानते हैं इस चौपाई के बारे में। इस चौपाई का रोज 108 बार जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की चार चौपाइयां जो देती हैं चमत्कारी परिणाम। पहली चौपाई है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की ये चौपाई बताती है कि हमें किसी भी प्रकार का भयंकर रोग ही क्यों न हो और कोई सी भी परेशानी ही क्यों न हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से और हनुमान जी का नाम लेने से सारी परेशानी का अंत हो जाता है। दूसरी चौपाई है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जिसका अर्थ है हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उनके पास हर प्रकार की सिद्धि है। अगर उनका स्मरण और पूजा की जाए तो जिंदगी में आने वाली मुश्किलें कम होने लगती हैं। तीसरी चौपाई है विद्यावान गुनी अति चातुर, रामकाज करीबे को आतुर। हनुमान चालीसा की ये चौपाई पढ़ने से विद्या और धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान होता है, इसलिए हमेशा भगवान राम का नाम लेना चाहिए और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों का पाठ करना चाहिए, इससे जिंदगी में मनुष्य आगे बढ़ता है। चौथी चौपाई है भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। इसका अर्थ है अगर आपका काम शत्रुओं के कारण नहीं बन पा रहा है तो इस चौपाई का पाठ करने से आपका बल इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके सामने आपके दुश्मन ठहर ही नहीं पाएंगे। इस चौपाई का पाठ करने से भक्तों के सभी काम बनते हैं। प्यारे भक्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से इस चौपाई का जाप करता है, उसके जीवन के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं।